कोरोना वायरस की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। फिर से एक बार प्रतिबंधों को लागू करने का दौर शुरू हो गया है। हालांकि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जहां आम लोगों से घर में रहने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की जा रही है, वहीं सूबे के मुखिया नीतीश कुमार बीते 22 दिसंबर से समाज सुधार अभियान के तहत अलग अलग जिलों में यात्रा कर रहे हैं। शराबबंदी, बाल विवाह और दहेज प्रथा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए चलाए जा रहे इस कार्यक्रम के तहत सभाओं का आयोजन हो रहा है, जिसमें सैकड़ों लोग बिना मास्क के ही शामिल हो रहे हैं। ऐसे में अब इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुख्यमंत्री गड़बड़ा गए हैं। उन्होंने कहा, शराबबंदी बिहार में फेल हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी इसे गलत करार दिया है। ऐसे में मुख्यमंत्री को कानून की समीक्षा करनी चाहिए। अगर शराबबंदी सफल कराने में सरकार सक्षम नहीं हो पा रही है, सरकार में बैठे लोग ही शराबबंदी कानून फेल कर रहे हैं, तो फिर सिर्फ गरीबों को, आम जनता को परेशान करने के लिए राजस्व का सरकार को घाटा हो रहा है, तो फिर किस बात का शराबबंदी? समीक्षा तो होनी चाहिए, विचार तो। हर कानून बनाने के बाद अब तो चीफ जस्टिस इंडिया के, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय चीफ जस्टिस ने भी टिप्पणी की है कि ये दूरगामी सोच वाला फैसला नहीं है। कोरोना को लेकर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर भी उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोला और कहा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी खुद अपने प्रचार प्रसार के लिए रैली कर रहे हैं, समाज सुधार अभियान चला रहे हैं, और सरकार को सुधार ही नहीं पा रहे हैं। सरकार का व्यवस्था पूरा चौपट है, जब सरकार का पूरा सिस्टम ही कलप्स किया हुआ है, तो कौन सा समाज सुधार करने जा रहे हैं? और एक तरफ कोरोना का डर भय भी दिखा रहे हैं, तो कोरोना सिर्फ पार्क में घूमने वालों के लिए है कि जो सरकार में बैठे लोग, जब राज्य के मुखिया ही भीड़ जुटा रहे हैं, तो वहाँ कोरोना नहीं है? ये कोरोना पर भी सरकार की दोहरी नीति, ये तो समझ से परे। उधर बीजेपी प्रवक्ता विनोद शर्मा ने कहा कि शराबबंदी समाज के हित के लिए है। मुख्यमंत्री जो भी कह रहे हैं वह लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए कह रहे हैं। देखिए, राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, मुख्यमंत्री ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी सूरत में हम शराबबंदी को वापस नहीं लेंगे। इसके लिए हम जागृति चलाते रहेंगे, लोगों पर कार्रवाई करते रहेंगे, लोगों को सजग होना होगा, इस कानून को मानना होगा। हालांकि जब उनसे कोरोना के मद्देनजर पार्क बंद करने के संबंध में सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि पार्क में ज्यादा लोग आते हैं, इससे संक्रमण का डर रहता है। मुख्यमंत्री जनता के हित का काम करते हैं और मुझे उम्मीद है कि नए साल में सभा और रैलियों पर भी मुख्यमंत्री रोक लगा देंगे। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री भी इस पर चिंतनशील हैं। अभी समाज सुधार अभियान चल रहा है पूरे प्रदेश में, और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री नए वर्ष में कोई नया निर्णय लेंगे और रैलियों पर भी रोक लगेगी। मुख्यमंत्री निश्चित रूप से इसको विराम देंगे और आम जनता का ख्याल करते हुए सारा उपाय जो किया जा सकता है किया जाएगा। वहीं जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव ने भी प्रतिबंधों को लेकर सवाल उठाए और कहा कि सिर्फ पार्क बंद कर देने से कोरोना वायरस भाग जाएगा क्या? होटल खुले हुआ है, होटल में पार्टी चलेगी, जबरदस्ती पार्क रोक दीजिए तो ये रोक दीजिए। आप रैली करिए रहे हैं, लाखों की रैली हो ही रही है, नेता जाइए रहे हैं, दिन में सब चलिए रहा है, और उसके बाद ये जबरदस्ती का डर पैदा करके थोपने की राजनीति, और फिर एक बार लॉकडाउन कर दीजिए ताकि मजदूरों की जिंदगी, बेरोजगारों की जिंदगी और मिडिल क्लास व्यापारियों की जिंदगी तबाह हो जाए। इस संबंध में जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि सरकार बिहार की जनता के हित में काम कर रही है, मुख्यमंत्री सभी जगह जाकर शराबबंदी को पूरी तरह सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, किसी भी सूरत में अब बिहार में शराब चालू नहीं होगी। मुख्यमंत्री जी ने वैसे लोगों को कहा है कि जो आप शराब प्रेम नहीं छोड़ सकते हैं तो फिर आपको बिहार आने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप अपना स्टैंड भी बदलते हैं तो आप ही बेहतर स्पष्ट कर सकते हैं। शराबबंदी कानून के साथ कभी समझौता नहीं होगा, अगर समीक्षा भी होगी तो सिर्फ इसी बात की कि आखिर शराबबंदी कानून को और मजबूती से लागू कैसे किया जाए।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।